प्राणायाम करते समय विद्युत का कुचालक आसन पर ही बैठना चाहिए। प्लास्टिक बिछा हो, कंबल बिछा हो, कुल मिलाकर अर्थिंग ना मिले। इस प्रकार के 7 से 10 प्राणायाम करें। लंबा श्वास लो, खूब गहरा श्वास लो, लो लो और लो। पेट को अंदर, नाभि से नीचे के हिस्से को संकोचित कर लो। मैं ईश्वर का हूँ, ईश्वर मेरे हैं, ईश्वर सुख रूप, ज्ञान रूप, चेतन रूप। संसार स्वप्न है, उसको जानने वाला सच्चिदानंद परमात्मा मेरा अपना है। ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम आनंद दाता, ओम माधुर्य दाता, ओम। मन में चिंतन करो, जितना ज्यादा देर रोक सकते हो, 1 मिनट 1.25 मिनट उतना अच्छा है। धीरे धीरे छोड़ दो श्वास। अब श्वास बाहर फेंक दो। लेना नहीं, बाहर रहे। पेट अंदर, मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद, ठोड़ी छाती के तरफ जालंधर बंद। पच्चीस सेकंड हो गए, रोके रखना हिम्मत से। 30 हो गए, पाप और रोगों के कण स्वाहा हो रहे हैं। अब 40 सेकंड हो गए, ले लो श्वास। अब श्वास गहरा भरो, फिर से भरो 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 और भरो। रोक दो, योनि को सकोड़ लेना, शौच की जगह को संकुचित करना, उसको मूल बंद बोलते। पेट को अंदर, उसको उड़ियान बंद, ठोड़ी को छाती के तरफ, उसको जालंधर बंद। त्रिबंद करके बैठे रहो। ओम शांति, ओम आनंद, ओम परमात्मने नमः। हे विवेक दाता, वैराग्य दाता, षट संपत्ति दाता, मोक्ष दाता, हम तुम्हारी शरण है। तुम सर्व समर्थ हो, सर्व हितेशी हो, सर्व के अंतरात्मा हो। मेरी पुकार इसी समय सुनने में तुम ही समर्थ हो, बिना बोले भी तुम सुन लेते हो। रोके रखो श्वास को, 1 मिनट हो रहा है, हिम्मत करो। 1.25 मिनट तक श्वास रोको। विवेक दे दे प्रभु, वैराग्य दे दो, षट संपत्ति दे दो, मोक्ष की तीव्रता दे दो, तुम्हारी मुलाकात दे दो प्रभु जी, प्यारे जी, मेरे जी। हो गया 1.25 मिनट, श्वास छोड़ दो। फिर से श्वास बाहर फेंक दो। श्वास बाहर फेंक दो, त्रिबंध करो। शौच जाने की जगह को सकोड़ना, उसको मूल बंद बोलते। पेट को अंदर खींचना, उड़ियान बंद। ठोड़ी को छाती के तरफ लगाना, दाढ़ी को जालंधर बंद। त्रिबंध करके श्वास बाहर रुका रहे। विवेक दाता, वैराग्य दाता, षट संपत्ति दाता, मोक्ष दाता, हम तुम्हारे हैं कृपानाथ। आपके वासनाएं पाप स्वाहा होने लगेंगे, रोग के कण खींचकर जठरा में स्वाहा। हो गए 40 सेकंड, ले लो श्वास।
फिर से श्वास भरो 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 और भरो और भरो और रोक दो, त्रिबंद करो। विवेक दाता, वैराग्य दाता, षट संपत्ति दाता, मोक्ष स्वरूपा, हमारी मोक्ष की इच्छा बढ़ाकर उसे पूर्ण करने में तुम ही समर्थ हो। 84 लाख योनियों के भटकाव से बचाने में तुम ही समर्थ हो। नीच वासनाओं से बचाने में तुम ही समर्थ हो। उत्तम विवेक और वैराग्य देने में तुम ही दाता हो। हे आनंद दाता, ज्ञान दाता, मुक्तिदाता, 1 मिनट 10 सेकंड हो गई, रोक के रखो। अब छोड़ दो श्वास। ये सबसे ऊंची मांग है। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मोक्ष की इच्छा, ये मिल गया तो भगवान के पीछे तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा। भगवान तुम्हारा आत्मा होकर प्रकट हो जाएगा। दुख तुम्हें दबा नहीं सकेगा, सुख तुम्हें बबलू नहीं बना सकेगा, आनंद तुमसे जुदा नहीं रह सकेगा, ईश्वर तुमसे दूर नहीं हो सकेगा। श्वास बाहर फेंक दो फिर से। श्वास बाहर फेंकने के बाद त्रिबंध कर लो, मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद। त्रिबंध प्राणायाम, इसे सगर्भा प्राणायाम भी बोलते हैं अगर भगवान का स्मृति हो। त्रिबंध प्राणायाम सामान्य प्राणायाम से 100 गुना ज्यादा हितकारी, शीघ्र मंगलकारी। रोग शोक पाप ताप हर ले और भगवान के सामर्थ्य को भर ले, ये वो प्रयोग है। कोई सुबह शाम ऐसा प्रयोग करता रहे तो 40 दिन में तो कहीं का कहीं पहुंच जाए। मुसीबतों को मुसीबत करने वाला सामर्थ्य उसके हृदय में प्रकट होने लगे। रोगों को रोगी बनाकर भगा दे। निरोग काया, निरोग मन, जितनी देर रोक सकते उतना बाहर रोको, फिर छोड़ देना, फिर अंदर रोको। इस प्रकार 3 बार अंदर रुके, 3 बार बाहर रुके, प्राणायाम समझ गए करते जाओ। अब श्वास गहरा भरो, फिर से भरो 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 और भरो, रोक दो। हे विवेक दाता, वैराग्य दाता, षट संपत्ति दाता, मोक्ष दाता, हम तुम्हारी शरण हैं। सर्व के अंतरात्मा हो, मेरी पुकार इसी समय सुनने में तुम ही समर्थ हो। बिना बोले भी तुम सुन लेते हो। रोके रखो श्वास को, 1 मिनट हो रहा है, हिम्मत करो। धीरे धीरे छोड़ दो श्वास। अब श्वास बाहर फेंक दो। लेना नहीं, बाहर रहे, पेट अंदर, मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद, ठोड़ी छाती के तरफ जालंधर बंद।
36 हो गए, पाप और रोगों के कण स्वाहा हो रहे हैं, हो गए 40 सेकंड, ले लो श्वास, फिर से श्वास भरो, भरो भरो और भरो और भरो और रोक दो, त्रिबंध करो। हमारी मोक्ष की इच्छा बढ़ाकर उसे पूर्ण करने में तुम ही समर्थ हो। 84 लाख योनियों के भटकाव से बचाने में तुम ही समर्थ हो। नीच वासनाओं से बचाने में तुम ही समर्थ हो। उत्तम विवेक और वैराग्य देने में तुम ही दाता हो। धीरे धीरे छोड़ दो श्वास, अब श्वास बाहर फेंक दो। विवेक दाता, वैराग्य दाता, षट संपत्ति दाता, मोक्ष दाता, हम तुम्हारे हैं। आपके वासनाएं पाप स्वाहा होने लगेंगे, रोग के कण खींचकर जठरा में स्वाहा, हो गए 40 सेकंड, ले लो श्वास, त्रिबंध प्राणायाम करके 6 मिनट ओमकार का जप करें, कम से कम 6 मिनट, और भगवान के सामने अथवा गुरु के सामने अथवा ओमकार के सामने जिसमें श्रद्धा प्रीति, कैसे जप करना, भगवान सुख रूप है, ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, हरि सर्वसमर्थ है, मैं हरि के ध्यान में एकाकार होता हूँ, ऐसा करके लंबा श्वास लो तो, और सीधा देखना, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, दाहे नहीं, बाहे नहीं, हरि ओ, इस प्रकार हरिओम का उच्चारण करके मैं अमर आत्मा हूं, चैतन्य हूं, परमात्मा का परमात्मा मेरे, ऐसा 6 मिनट धारणा करो, श्वास लो तो हरिओम।
हरि ओ जितनी देर उच्चारण में लगी उतनी देर एक टक देखो, इससे विश्रांति योग की प्राप्ति होती है। आत्मा में विश्रांति मिलने से सामर्थ्य आता है, शरीर में विश्रांति मिलने से थकान मिटती है, शरीर स्वस्थ रहता है, लेकिन अपने को विश्रांति मिलने से अपन स्वस्थ हो जाते हैं। कम से कम 6 मिनट, अधिक जितना भी कर सकता है। चाहे जन्म कुंडली कैसी हो, चाहे शत्रु कैसे भी बलवान हो, चाहे मुसीबत कैसे भी रूपों की हो, चाहे ग्रह कैसे भी टकराए हो, मेटत कठिन कु अंक भा लगे। भाग्य के कु अंक मिटाने में ये भगवत सामर्थ्यदायिनी भक्ति है।